उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई उपचुनाव की 10 सीटों को जीतकर पूरी करना चाहती है। इसमें पार्टी किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राज्य का सियासी पारा अभी से बढ़ने लगा है। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से इस सियासी लड़ाई में आमने सामने है। वहीं दोनों पार्टी के नेताओं की बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी एक कदम आगे चल रही है। इसके पीछे कारण यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, प्रत्याशियों को उतार दिया है। यानी कि प्रत्याशियों के पास अच्छा खासा स्पेस है, समय है प्रचार के लिए, लोगों के बीच पहुंचने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, लेकिन अभी 4 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। क्या समाधान निकलता है देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही है, लेकिन गठबंधन के तहत कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं देखना होगा। क्या 4 की 4 सीटें मिलेगी या फिर 2 सीट मिलेगी, तो दोनों में से कोई एक संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाकर ये बिल्कुल जता दिया है, संदेश दे दिया है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, और खास तौर पर जब चुनाव यूपी में हो तो गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ है वो शायद ही कभी हो। 2014 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 2019 में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2024 आते आते भीतर घात बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया, और इस बात को बीजेपी के बड़े नेता मानते हैं। लेकिन अब कोई ऐसी गलती ना हो, भीतर घात ना हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, कोई नुकसान ना हो, नेताओं के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, और ऐसे में कोई दिक्कत ना हो, विचारों का मतभेद ना हो, और इसलिए ही ये हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आ रहे हैं, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि आपने लोकसभा चुनावों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ खटपट की खबरें लगातार सुनी होंगी, तनातनी की खबरें लगातार सुनी होगी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सच में सॉर्ट आउट हो गया है ये भी एक यक्ष प्रश्न है। सीधा रुख करेंगे यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से, और दिल्ली से हमारे साथ नितिन धीमान जुड़ गए हैं जहां पर ये बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका रुख हम करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह का सिनेरियो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी तो एक कदम आगे बढ़ गई है, 6 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब तक अनाउंसमेंट कर सकती है अपने कैंडिडेट्स की? बिल्कुल, यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही एक यक्ष प्रश्न है, और इसी यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए आज यूपी के दिग्गज लोग सारे दिल्ली में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले एम्स हरिद्वार जाएंगे, वहां पर एम्स में उनकी मां भर्ती है, उनका हालचाल लेंगे और उसके बाद में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इधर से दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, जेपी नड्डा और अमित शाह भी होंगे। तो बड़ी बैठक आहूत की गई है और इसमें जो नाम है उनका फाइनल किया जाएगा, क्योंकि चुनाव एकदम करीब है और इसलिए नामों पर मुहर लगाई जाएगी कि 10 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 15 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी और उनसे नामों को मांगा गया था कि कौन कौन से नाम है जिताऊ उम्मीदवार है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में ये बात कही गई थी कि क्योंकि जिताऊ उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया गया, इस वजह से ये दुर्दिन देखने पड़े। तो इस बार बहुत सोच समझ करके ये सारी चीजें की गई हैं
तीन तीन नामों का पैनल बनाया गया है और उन तीन नामों के पैनल को बना करके सेंटर में भेज दिया गया है। आज उस पर गहन मंथन होगी और फाइनल होगा कि आखिर यहाँ से चुनाव लड़ेगा कौन। बड़ी बात यह है कि ये जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और एक सीट पर वो सेकंड पोजीशन पर थी। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है और अब उसके बाद में 4 सीटें बची हैं जिन पर तालमेल की बात चल रही कांग्रेस से कि उनसे तालमेल किया जाएगा। यस प्रदीप जी, एक सवाल आपसे और है, फिर हम दर्शकों को दिल्ली लिए चलेंगे। हमारे साथ नितिन धीमान भी लाइव जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर दर्शक भी देख पा रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, कितने चाहवान दिखाई दे रहे हैं, कितने टिकटार्थी दिखाई दे रहे हैं जो चाह रहे हैं कि हमें भी इन सीटों पर टिकट मिले। 10 सीटें हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या ये पेंच है कि ज्यादा टिकटार्थी हैं, चाहवान ज्यादा हैं, तो ऐसे में स्क्रूटनी करना थोड़ा मुश्किल हो जाए? में है और हर आदमी चाहता है कि वो चुनाव लड़े, चाहे जीते चाहे हारे, क्योंकि चुनाव हारने में भी अपना उसका नाम तो कम से कम हो ही जाता है। तो इस लिहाज से शिक्षार्थियों की संख्या तो लगातार बढ़ती रहती है और फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टियों में शिक्षार्थियों की एक लंबी लाइन देती है और खासकर तब जबकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो वहाँ भी लंबी शिक्षार्थियों की लाइन है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सेंटर में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है तो लाजमी है कि उनके यहाँ एक लंबी कतार है टिकट मांगने वालों की। यही कारण है कि उसको सारा यूपी, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक हुई थी, संगठन की और सरकार की बैठक हुई थी, उसमें ये इन नामों का पैनल एक बना लिया गया था और अब शायद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि उन तीन नामों में से ही एक नाम फाइनल किया जाएगा जिसको टिकट मिलेगा और आज उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उन नामों पर आज मुहर लग जाए। चलिए नितिन, लग रहा है उम्मीद कि आज लिस्ट जारी हो जाएगी या फिर उन नामों पर मुहर लग जाएगी। दिल्ली से क्या अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह की हलचल, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम कब तक पहुंच जाएंगे दिल्ली? मुख्यपुरी में पहुंचने का और उसके बाद शाम को बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि हमेशा बीजेपी एक प्रोटोकॉल के तहत काम करती है। पहले जो प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें जिलेवार नाम फाइनल किए जाते हैं, उनमें एक पैनल बना करके आलाकमान को दिया जाता है। तो पैनल आज यहां पर लाया जाएगा, आज ये नहीं कह सकते कि आज लिस्ट आ जाएगी क्योंकि इसके बाद फाइनल टच जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जो एक पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग है, संसदीय दल जो भाजपा का है वो फाइनल करता है। तो आज मोटे तौर पर, हालांकि मोटे मोटे तरीके तौर पर वो सीटें फाइनल हो जाएंगी, उसके बाद एक औपचारिकता रह जाएगी, उसके बाद फिर टिकट जारी की जा सकती है। दूसरी बात है क्योंकि अभी शेड्यूल आया नहीं है चुनाव का तो पार्टी को इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा में जिस तरीके से जीत हुई है उसके बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा है पार्टी का। जो लोकसभा में 400 पार का नारा था लेकिन 270 भी बीजेपी अपने दम पर पूरी नहीं ला पाई थी, वो भी गठबंधन एनडीए ने ही पूरा करके सीटें की थी, तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस संक्रामक थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हरियाणा जीतेंगे, हरियाणा के बाद फिर महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव भी जीतेंगे और पहले वक्त से पहले केंद्र की सरकार गिर सकती है, लेकिन हरियाणा चुनाव में जो झटका लगा है कांग्रेस को, आज करीबन एक हफ्ता होने को आ रहा है लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं कि राहुल गांधी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या इनकी तरफ से कोई बयान उस तरीके का चीज़ें या पब्लिकली सामने आए हों, क्योंकि उस दिन के बाद से लगातार चिंतन मंथन चल रहा है कि हार कैसे होगी। बीजेपी का संगठन बॉर्डर काम किया, अब इस चुनाव का फायदा यूपी उपचुनाव, आगे 4 महीने बाद दिल्ली चुनाव, इनमें भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, इसीलिए पंचकुला में जो कार्यक्रम रखा गया शपथ ग्रहण का वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जितने भी आला अधिकारी, आला नेता हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे। जहाँ तक यूपी की बात रही, एक लिटमस टेस्ट की तरह भी होगा क्योंकि लोकसभा में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जी, आगे विधानसभा चुनाव आने हैं पंजाब के साथ ही जब होंगे तो उसमें उससे पहले पता चल जाएगा कि अभी भी
बीजेपी लोगों के दिलों में है, बीजेपी का वो जलवा कायम है या नहीं है, ये उपचुनाव से, उपचुनाव एक टेस्ट की तरह देखे जाते हैं। हालांकि अधिकतर जगह उपचुनाव में जो कैंडिडेट है उसका अपना भी एक क्रेडिबिलिटी अपने इलाके में होती है, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के लोग कैसा है, वो स्थानीय नेता किस तरह लोगों के बीच उठना बैठना कैसा है, वो भी तमाम चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। लेकिन टिकट वितरण इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जातिगत समीकरण हो या न हो सकता है कि जो गठबंधन पार्टियाँ हैं उनके लिए भी सीटें छोड़ दी जाएँ, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव में गठबंधन में NDA सरकार बनी है तब से बीजेपी लगातार गठबंधन के दलों को भी तवज्जो दे रही है। यही हमने हरियाणा में देखा, गोपाल कांडे के लिए सीट छोड़ दी गई, तो ऐसे चीज़ें यूपी में भी देखी जा सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर मंथन होगा और शाम के करीब ये बैठक होगी। जी नितिन, क्या 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेगी या फिर सहयोगी दलों के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, हो सकता है गठबंधन को भी सीटें दे दे, लेकिन ये प्रॉपरली डिसीजन आलाकमान का होगा। अब वहाँ पर क्या स्थानीय समीकरण है, वहाँ पर स्थानीय क्या हालात हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का इस वक्त परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और जहाँ तक केंद्र की बात है, अन्य की बात है, तो बीजेपी अब दोबारा के गठबंधन के पक्ष में आती हुई, हालांकि हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ लेकिन अब महाराष्ट्र में गठबंधन में ही है पार्टी शिंदे गुट के साथ, झारखंड में भी गठबंधन में पार्टी लड़ने की इसमें है, तो कहीं ना कहीं अब गठबंधन की पार्टियों को, अपनी सहयोगी पार्टियों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार के साथ, तो ये तमाम गठबंधन को लेकर के पार्टी जरूर आश्वस्त है और हो सकता है उसके हिसाब से ही टिकट वितरण यहाँ पर हो। ठीक है, ठीक है। एक सवाल प्रदीप जी से भी। प्रदीप जी, उपचुनावों को लेकर कहा जाता है कि उपचुनाव तो सत्ताधारियों क्यों होते हैं, ये अवधारणा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीर होती? क्योंकि चाहे टिकट वितरण की बात हो, स्क्रूटनी की बात हो, सही उम्मीदवार के चयन की बात हो, या फिर सोशल इंजीनियरिंग, दो चार फैक्टर हैं जो इस उपचुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन अगर किसी एक फैक्टर में चूक हो गई तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि दूध का जला छाक भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कोई कुछ ऐसे ही स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के चुनाव होते हैं, क्योंकि जनता भी उन्हीं लोगों को चुनती है, उम्मीदवारों को चुनती है जो कि सरकार में है और जिससे कि वो उनका काम करवा सके। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मजबूत होकर के उभरा है लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर के एक जो नरेटिव बना है वो, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि कहीं अगर यहाँ पर चूक हुई तो उसका खामियाजा फिर 2027 यानी कि 2026 में जो चुनाव होना है उसमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव 2027 में है, मार्च में है, लेकिन 2026 की लास्ट में ही चुनाव हो जाने, तो उसका उसमें एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इसके बाद दिल्ली में चुनाव है, तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट वहां भी देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच कदम उठा रही है, फूक फूक कदम उठा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यह कही कि क्योंकि जातिगत जो फैक्टर है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही जो जिन छह नामों का ऐलान किया है वो सब PDA के लोग हैं, इसमें से एक मुस्लिम है, तीन बैकवर्ड है, तो दो दलित भी हैं, तो इस तरीके से PDA फार्मूला को उन्होंने इंटैक्ट रखा है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में उनको भारी सफलता मिली। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल ये है कि वो कैसे अपना कास्ट कॉम्बिनेशन बनाए और कैसे जिताऊ उम्मीदवारों को खड़ा करे और जीत करके दिखाए। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अयोध्या की सीट हारे थे वहां पर मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ में कमान ली है, उसको जीतना है, और ये अपने आप में बड़ी चुनौती है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीत करके एक मैसेज दे पाएगी। और यही कारण है कि इतनी गंभीर और हाई लेवल की मीटिंगें लगातार हो रही हैं, उसी कड़ी में एक बार फिर से दिल्ली में मीटिंग आहूत की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बात दिल्ली की हो, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।